मनीष सिसोदिया को लेकर कोई न आंदोलन हो रहा है, न बयान दिया जा रहा है, न कोई कार्यक्रम हो रहा है। सारा आंदोलन कार्यक्रम विभव कुमार के लिए हो रहा है। आपके उप मुख्यमंत्री जो आपकी सरकार में नंबर दो की हैसियत रखते थे, न उनके लिए चुनाव प्रचार में लाने के लिए मांग हुई है, न कोर्ट में किसी ने जाके अर्जी दायर की है कि केजरीवाल जी की तरह उन्हें भी प्रचार करना चाहिए, न कोई उनके लिए आप आंदोलन या बयान दे रहे हैं। सारे बयान आंदोलन केवल विभव कुमार के लिए, जो टेक्निकली कुछ भी नहीं है, या यूं कहूं सब कुछ वही है। प्रमोद जी ने अभी आपको ये बताया कि दिल्ली से बाहर आकर यदि दिल्ली की जनता के मध्य में कोई भी व्यक्ति घूमेगा तो उसे दिल्ली की जनता की वेदना और पीड़ा दोनों का अनुभव होगा। और एक महत्वपूर्ण बात भी ये आई कि ये केजरीवाल जी वही व्यक्ति है ना जो कहते थे मैं दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा, ये सब तो इनके दावे थे। और आज हालात ये है कि मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं है। मतलब ये कथनी और करनी में किसी व्यक्ति के कितना बदलाव हो सकता है कि जो कहता था दिल्ली के चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी लगवा दूंगा, वो मुख्यमंत्री आवास के एक चप्पे का सीसीटीवी फुटेज, अनइंटरप्टेड अनकट सीसीटीवी फुटेज देने की स्थिति में नहीं है। और जैसा कि अभी बताया कि स्वाति मालीवाल जी को जो उन्होंने दुर्व्यवहार किया, तमाचा मारा गया, लात घूंसे मारे गए, जिसका उल्लेख किया, परंतु यहां मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है मनीष सिसोदिया जी की बेल के संदर्भ में, वो केजरीवाल जी जो बाहर आकर, मैं कहूंगा न्यायालय के आदेश की खुलेआम अवमानना कर रहे थे, क्योंकि उनकी शर्तों में था कि वो अपने केस के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने बाहर आके कहा था कि उनके ऊपर का केस फर्जी है। मुझे लगता है दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो कुछ कहा है मनीष सिसोदिया के केस में, वो केजरीवाल जी के इस दावे पर तमाचे से कम नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया के बेल के संदर्भ में जो कहा है उसको मैं सिर्फ कोट कर रहा हूं, जो पब्लिक डोमेन में, मीडिया में अवेलेबल है ऑब्जर्वेशन। उन्होंने कहा दिस इज अ ग्रेव मिसयूज ऑफ पावर एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये सत्ता के गंभीर दुरुपयोग और विश्वास को क्षरण करने के समकक्ष है। आगे उन्होंने कहा है दूसरे ऑब्जर्वेशन में, द पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड डेविएटेड फ्रॉम द एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय हिम, यानी नीति का निर्धारण उनके स्वयं के द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति से को दरकिनार करके किया गया। अब केजरीवाल जी बताइए, ये तो प्रोसीजर्स के बारे में कोर्ट की टिप्पणी हो रही है। और आगे उन्होंने कहा कि कंप्रोमाइज तो किया गया, फिर उसमें लिखा था कोर्ट सेड दैट द इंटेग्रिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वॉज कंप्रोमाइज्ड, यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया की प्रामाणिकता पूरी तरीके से संदिग्ध हो गई। तो केजरीवाल महोदय, आप स्वयं निर्णय लेने की प्रक्रिया के हिस्से थे। दिल्ली को दारू के दरिया में डुबोने के लिए आपने जो प्रक्रिया एडॉप्ट की थी वो कंप्रोमाइज हुई, वो साफ कहा। तो मुझे लगता है जब आप अपने केस के बारे में इस तरह की बात बोलते हैं, इसीलिए हमने कहा कि वो आपके चेहरे पर किसी तमाचे से कम नहीं है। इसके बाद और भी महत्वपूर्ण बात कही है कोर्ट ने, ऑब्जर्व किया है सिसोदिया जी के बारे में, ही हैज फेल्ड टू प्रोड्यूस टू फोन्स यूज्ड बाय हिम एंड क्लेम दैट दे वर डैमेज्ड। द कोर्ट सेड दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परिंग ऑफ एविडेंस कैन नॉट बी रूल आउट, यानी वो दो ऐसे फोन जो वो प्रयोग कर रहे थे प्रोड्यूस करने में सफल नहीं हुए, उन्होंने कहा कि वो डैमेज हो गए हैं और इसलिए साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और उन्हें प्रभावित करने की संभावना पूरी तरीके से बनी हुई है, इसलिए बेल नहीं दी जा सकती है। ये मुझे लगता है केजरीवाल जी की स्वघोषित छवि, जो भी वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर इससे बड़ा डैमेज नहीं हो सकता। यदि कोर्ट बहुत स्पष्ट रूप से कहे और आपके साथी कहें कि वो दो फोन खो गए और वो डैमेज हो गए, तो मुझे लगता है ये तीसरा उनके ऊपर बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोर्ट ने कहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ पीएमएलए केस, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, कोर्ट सेड दैट द
प्रोसिक्यूशन वॉज एबल टू मेक आउट अ प्राइमा फेसिया केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, अर्थात प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता हुआ दिखता है। यह साक्ष्य प्रोसिक्यूशन ने जो प्रस्तुत किए हैं उससे प्रतीत होता है कि प्रथम दृष्टया द प्राइमा फेसिया केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसिक्यूशन वॉज एबल टू मेक आउट। मुझे लगता है कि अब उच्च न्यायालय के इस ऑब्जर्वेशन के बाद किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु संशय किसी के मन में नहीं रह जाता है, मगर एक संशय हम सबके मन में सदैव रह रहा है कि कानूनी दृष्टि से तो बिल्कुल साबित होता चला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने, कि सरकार ने इस लिकर स्कैम में क्या किया था। यानी लीगली इट इज बीन कंसिस्टेंटली कैटेगोरिकली इररिफ्यूटेबली इज ग्रेजुअली एस्टैब्लिश्ड, बट मॉरली वी आर परप्लेक्स्ड। मनीष सिसोदिया को लेकर कोई न आंदोलन हो रहा है, न बयान दिया जा रहा है, न कोई कार्यक्रम हो रहा है। सारा आंदोलन कार्यक्रम विभव कुमार के लिए हो रहा है। तो लीगल क्वेश्चन का आंसर तो कोर्ट है, हम मॉरल और पॉलिटिकल क्वेश्चन का आंसर केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं कि आपके उप मुख्यमंत्री जो आपकी सरकार में नंबर दो की हैसियत रखते थे, न उनके लिए चुनाव प्रचार में लाने के लिए मांग हुई है, न कोर्ट में किसी ने जाके अर्जी दायर की है कि केजरीवाल जी की तरह उन्हें भी प्रचार करना चाहिए, न कोई उनके लिए आप आंदोलन या बयान दे रहे हैं। सारे बयान आंदोलन केवल विभव कुमार के लिए, जो टेक्निकली कुछ भी नहीं है, या यूं कहूं सब कुछ वही है। या यूं समझिए कि जिन बातों को टेम्परिंग ऑफ एविडेंस की संभावना कोर्ट कह रहा है, उस राज का असली राजदार कहीं वो तो नहीं है जिसके दिल के तार केजरीवाल जी से ज्यादा ही जुड़े हुए हों। इसलिए महिला सम्मान को ध्वस्त करने से लेकर सरकार की प्रशासनिक प्रक्रिया को ध्वस्त करने तक जो कार्य आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है, वह दिल्ली की जनता के सामने अब शीशे की तरह स्पष्ट है। और इसे मैं कह सकता हूं, यह ज्यादा दुखद और कष्टकारक इसलिए है कि यह उस पार्टी के द्वारा किया गया है जिसने कितनी नाटक नौटंकी की थी, हम तो पारदर्शी रखेंगे, हम तो एक एक डोनेशन को रियल टाइम में शो करेंगे, वैसे वो शो करनी बंद कर दी। उसने कहा था दारू का ठेका तब खुलेगा जब उस जगह की 80% महिलाएं हां कर देंगी, कहीं पे कुछ दिया ही नहीं। वो कहते थे राइट टू रिजेक्ट राइट टू रिकॉल देंगे, वो तो किया ही नहीं। जो कहते थे अपना लोकपाल रखेंगे, वो टोपी ओपी तो फेंक दी, और अपनी पार्टी में जो लोकपाल बनाया था उसको भी फेंक दिया। इसलिए इस दिल्ली की जनता के साथ जो छल हुआ है और देश की जनता के साथ जो भ्रम करने का प्रयास किया गया है, मुझे लगता है देश की जनता इसका समुचित और प्रभावी प्रत्युत्तर देगी।